प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ITI के मंथली टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर महीने के अंत में आपके मंथली टेस्ट होते हैं, और जो अप्रैल का महीना था उसमें भी आपके मंथली टेस्ट हुए थे 28 और 29 तारीख को। तो जो अप्रैल के महीने के मंथली टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में आप अपना रिजल्ट देख सकते हो सभी सब्जेक्टों का। तो आप सभी को पता है कि ये एक्सेल शीट आपको कहाँ मिलेगी? यस, ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाकर जब सर्च करोगे ऑनलाइन ITI मंत्रा तो आपके सामने जो चैनल खुलेगा उसको आप ज्वाइन कर ले, वहां से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि ये शीट थोड़ी सी बड़े साइज की होती है इसलिए इसको वैसे शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर हमारी दूसरी वीडियो है, कोई नोटिस है, कोई PDF फाइल है, सभी की सभी हम वहां शेयर जरूर करते हैं, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो आप अपना रिजल्ट सर्च करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हो। आपकी जो ईमेल आईडी है, सर्च बार में जाकर जब सर्च करोगे आपके ईमेल एड्रेस से तो भी आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, या आप अपना नाम फादर नेम से भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ भी आप सर्च कर सकते हो। आपका यहां पर नाम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, टेलीफोन नंबर से भी, क्योंकि टेलीफोन नंबर भी यूनिक होता है, तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं अपना रिजल्ट। फिर आप जब लास्ट में देखोगे, इधर देखो यहाँ पे आपका फोन नंबर है, ये सब्जेक्ट लिखे गए हैं यहाँ पर, जो भी आपने आंसर दिए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 या 10 तक क्वेश्चन थे, सभी के आंसर यहाँ पे आपने जो भी मार्क किए थे वो सारे के सारे यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद आप वो क्वेश्चन आपका ठीक है या गलत है उसके हिसाब से आपके मार्क्स यहाँ दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के नंबर ये हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ठीक था तो उसका 1 नंबर दिया गया, दूसरा गलत था तो 0, 0, 0, ऐसे आपको सारे अपने जो क्वेश्चन थे उनके मार्क्स पता लग जाएंगे। सबसे लास्ट में आप इसके टोटल भी देख सकते हो। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट की कॉपी को डाउनलोड कर ले और चेक कर ले कि आपने जो टेस्ट दिया था उसमें कितने नंबर प्राप्त किए। दूसरा डिपार्टमेंट ने साथ के साथ एक लेटर और जारी किया है, उसमें कहा गया कि बच्चे टेस्ट में एबसेंट रहते हैं तो अपनी अटेंडेंस 100% कर लीजिए, क्योंकि सारे मार्क्स हैं ERP पोर्टल पे अपलोड किए जाते हैं, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिजल्ट ये जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जरूर से जरूर दें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।